नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में कोल कंपनी फेयर माइंस को आवंटित जमीन में जंगल वाली जमीन को आवंटित करने का आरोप लगाकर उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की गई है। पीआईएल दायर करने वाले गौरव सिंह ने कहा कि पर्यावरण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, गौरव सिंह स्वर्गीय श्रीपति सिंह के पुत्र हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि पड़वा रजहरा में कोल कंपनी फेयर माइंस को खनन करने के लिए करीब 272 एकड़ का प्लॉट आवंटित हुआ है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि 26 एकड़ भूमि जंगल झाड़ी यानी कि जेजे प्लॉट। अब इसी मामले को लेकर 28 अगस्त को हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। गौरव सिंह ने बताया कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जितने भी कंपनियां कोयला का खनन करती हैं, उस क्षेत्र का पुराना खतियान फटा हुआ या गायब पाया जाता है। खासकर वैसे प्लॉट जो जंगल झाड़ी किस्म के जमीन होते हैं, उनका खतियान अक्सर फटा हुआ होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1996 में दिए गए निर्देश का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इससे पहले भी उपायुक्त और खनन विभाग के सेक्रेटरी को उन्होंने पत्राचार किया है, लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं होता देख अब उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुआ था, जिसमें आदेश किया गया था कि हर राज्य सरकार को जंगल झाड़ी भूमि की सूची देने का आदेश दिया गया था। 2001 में कमेटी भी बनी झारखंड सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक उसकी सूची नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद पलामू में कई कोल कंपनी खनन करने आई हैं। आप देखेंगे कि जब जहाँ भी ऐसी कोल कंपनीज आती हैं, वहाँ पे खतियान फटा हुआ रहता है, और स्पेशली ऐसी भूमि का जहाँ पे भूमि का किस्म जंगल झाड़ी। अभी फेयर माइन कंपनी भी माइनिंग करने आई है पंडवा कोल ब्लॉक, रजहरा कोल ब्लॉक में। वहाँ पर भी जो भूमि है खनपट्टा क्षेत्र में आती है, उसके अधिकांश खतियान फटेगा, और वहाँ के ग्रामीणों ने सूचित किया कि जंगल झाड़ी भूमि का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक दस्तावेज़ दिया कि एक प्लॉट का 26 एकड़ भूमि का कंटिन्यूस खतियान और बंदोबस्त अभिलेख, जिसमें साफ साफ दर्ज है कि भूमि का किस्म जंगल झाड़ी है। इसके लिए हमने एक पत्र लिखा सेक्रेटरी ऑफ माइंस को। उन्होंने एक उपायुक्त महोदय को जाँच करने का आदेश दिया कि भाई इसकी डिटेल में जाँच करें। जांच कमेटी में सात दलीय कमेटी बनी, और वहां पे जांच दल ने मेरे दस्तावेज को देखा भी, लेकिन उन्होंने उस दस्तावेज को नहीं माना। उनकी जिद है कि मूल खतियान की प्रति होगी तो ही हम उसको मानेंगे, वरना अन्य रिकॉर्ड को हम नहीं मानेंगे। जबकि आश्चर्य की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जंगल झाड़ी भूमि मेंशन होना चाहिए, तो ये भी एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही है, बट उन्होंने नहीं माना। फिर हमने फिर से एक पत्र लिखा है पाइप महोदय को कि एक कमेटी बनी थी 2011 लफार जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी कि अगर आपको डाउट है कि जंगल झाड़ी का स्टेटस को लेकर किसी भी भूमि का, तो आप उस कमेटी को रेफ़र कीजिए, वो कमेटी जांच करेगी। और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और चूँकि इतने साल हो चुके हैं, आज तक सूची भी नहीं दी गई। और ये बहुत चिंता की बात है कि जहाँ भी कोयला कंपनी खनन करने आती है, वहाँ का खतियान फटा हुआ पाया जाता है। तो इसलिए हमने पीआईएल किया है। पीआईएल में हमारे चार प्रेयर हैं, चार पांच। एक है कि उस 1996 के जजमेंट को पूरी तरह से लागू किया जाए, सूची जमा की जाए। दूसरा कि ये जो जाँच की कमेटी ने हमारे दस्तावेज को नहीं माना, उस जाँच प्रतिवेदन को क्वाश किया जाए। तीसरा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी हैं, उनको एक पॉलिसी या एसओपी फॉर्मुलेट करना चाहिए कि अगर खतियान अन अवेलेबल है, तो उसके लिए आपने क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया है, कि कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड को आप उसके बाद मानेंगे, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जंगल।